फरमाए चार मिसाल सुनते हैं। एक शेर देखिए कि उस पे अल्लाह की मखलूक ने लानत की है। देखें कि उस पे अल्लाह की मखलूक ने लानत की है जिसने कुरान के दुश्मन की हिमायत की है। उस पे अल्लाह की मखलूक ने लानत की है जिसने कुरान के दुश्मन की हिमायत की है। और ये भी शेर देखिए कि इश्के शब्बीर का दावा है ये मालूम नहीं, इश्के शब्बीर का दावा है ये मालूम नहीं, शह ने कुरान की नैजे पे तिलावत की है। इश्के शब्बीर का दावा है ये मालूम नहीं, शह ने कुरान की नैजे पे तिलावत की है। एक सलवात पढ़ लीजिए। एक मतलब तीन चार शेर समाज फरमाए। आसिफ भाई देखिए आपका हुक्म है कि हर घड़ी मजलूम की ऐसे तरफदारी करो, कि हर घड़ी मजलूम की ऐसे तरफदारी करो जो गरीबों को सताए उससे बेजारी करो। कि हर घड़ी मजलूम की ऐसे तरफदारी करो जो गरीबों को सताए उससे बेजारी करो, और कातिले जहरा के ऊपर करके लानो सुबह शाम। कि कातिले जहरा के ऊपर करके लानो सुबह शाम, अय मुसलमानों मोहम्मद से वफादारी करो। कि कातिले जहरा के ऊपर करके लानो सुबह शाम, अय मुसलमानों मोहम्मद से वफादारी करो। कि अय मुसलमानों मोहम्मद से वफादारी करो। और ये भी शेर देखें कि सिर्फ बातों को बनाने से नहीं कुछ फायदा, देखिए कि सिर्फ बातों को बनाने से नहीं कुछ फायदा, चाहते हो घर इमाम आए तो तैयारी करो। कि सिर्फ बातों को बनाने से नहीं कुछ फायदा, सिर्फ बातों को बनाने से नहीं कुछ फायदा, चाहते हो घर इमाम आए तो तैयारी करो, और फायदा कुछ भी नहीं है घर दिखावा आ गया। देखिए आजादारी या याम आजाब, ये इसलिए जरूरी है मेरे अशार पढ़ना कि फायदा कुछ भी नहीं है घर दिखावा आ गया। कि फायदा कुछ भी नहीं है घर दिखावा आ गया, सैयदा तुमको दुआ दे वो आजादारी करो। फायदा कुछ भी नहीं है घर दिखावा आ गया, फायदा कुछ भी नहीं है। फायदा कुछ भी नहीं है घर दिखावा आ गया, फातिमा तुमको दुआ दें वो आजादारी करो, फातिमा तुमको दुआ दें वो आजादारी करो। आखिरी शेर देखिए कि फायदा कुछ भी नहीं है घर दिखावा आ गया, फातिमा तुमको दुआ दें वो आजादारी करो, और दोनों चीजें रह नहीं सकती इकट्ठा एक जगह। आसिफ भाई देखें शेर की, दोनों चीजें रह नहीं सकती इकट्ठा एक जगह, दोनों चीजें रह नहीं सकती इकट्ठा एक जगह, या तो शह का गम बना लो या तो मक्कारी करो। दोनों चीजें रह नहीं सकती इकट्ठा एक जगह, दोनों चीजें रह नहीं सकती इकट्ठा एक जगह, दोनों चीजें रह नहीं सकती इकट्ठा एक जगह। कि दोनों चीजें रह नहीं सकती इकट्ठा एक जगह, या तो शह का गम बना लो या तो मक्कारी करो। सलवात। اللهم صل على محمد وآل محمد.